प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्पीच स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में, यानी कि जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, और एक कक्षा 12 का मॉडल पेपर है। बच्चों, जैसा कि आपका हिंदी का पेपर हो चुका है और हिंदी में आप लोगों ने बहुत सारी तबाहियां मचा दी हैं, यानी कि पूरा पेपर जो है हमने आपको जो पढ़ाया था उसी से फंस गया है, और आप में से कई सारे बच्चों ने अपने अपने पेपर हमारे पास सेंड भी किए हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले बहुत सारा धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारे पास पूरे पूरे पेपर सेंड किए हैं और शेयर किए हैं। वो सारे पेपर मैंने मैच करने के बाद मैं आपको एक पेपर का हल लेकर आया था, जिसमें मैंने आपको पूरा पेपर बताया था कि आप इस ट्रिक से, इस लेक्चर से पूरा पेपर फंसा हुआ है। तो ऐसे ही हम बायोलॉजी की पूरी तैयारी करेंगे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको बायोलॉजी में भी पूरा पेपर फंस सके। तो इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए हम आज आपके साथ में मॉडल पेपर डील करेंगे। ये पूरा मॉडल पेपर आपको मैं हल के साथ बताने वाला हूँ, अच्छे से समझिएगा। एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ के चले जाना, क्योंकि बच्चों कोई पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनके नंबर आप चांसेस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। आपको पता ही, आपको पेपर करने के लिए, जैसा कि हिंदी के पेपर करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय मिला था, सेम उसी प्रकार से आप जब बायोलॉजी का पेपर देने जाओगे तो उसके लिए भी आपको 3 घंटे 15 मिनट का ही समय दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया हिंदी में क्या किया हुआ, कॉपी कैसे भरना, इन सारी चीज़ों को आपने समझ लिया। अब बार बार बताने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। उसमें आपका क्या होगा, समय ही वेस्ट होगा, और वो मैं नहीं चाहता कि आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट हो, ठीक है। और आपको पता है बायोलॉजी का भी पेपर आपका जो है 70 नंबर का आता है, क्योंकि हिंदी का जो पेपर आएगा वो आपका 100 नंबर का था, और आपका इंग्लिश का जो पेपर आएगा, किसका बच्चों, इंग्लिश का पेपर भी आपको 100 नंबर का आएगा, और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सारे पेपर 50, 70, 70 नंबर के आएंगे। एक जो होता है मैथ का पेपर होता है, मैथ का पेपर भी 100 नंबर का आता है, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास मैथ है उनका 100 नंबर का आएगा, बायोलॉजी वालों का जो आएगा वो 70 नंबर का आएगा, क्योंकि बायोलॉजी में 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहता है, देखिए इस पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना। आपको सिर्फ सही विकल्प चुनना है और अपनी उत्तर पुस्तिका पर उसको लिख देना। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का, यानी कि पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, और ये क्वेश्चन बच्चों आपका 1 नंबर में है, यानी कि पुष्प का कौन सा भाग जो होता है वो पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए बच्चों, पुमंग हो गया, चलो इस पर हम छोड़ देते हैं, जयांग होता है। ये जयांग क्या होता है बच्चों, आपने पुष्प के बारे में पढ़ा था, वहां पर मादा यानी कि मेल गैमेट, यानी कि मेल पार्ट से, ठीक है, सॉरी बच्चों फीमेल पार्ट से, ठीक है। गुरु बीजाणुधानी, आपने एक शब्द सुना था लघु बीजाणुधानी, और एक वर्ड होता है गुरु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी नर के लिए प्रयोग होता है, गुरु बीजाणुधारी मादा के लिए प्रयोग होता है, यानी कि ये वाला विकल्प भी हमारे दोनों गलत हो गए, ये तो दोनों है नहीं। अब बच्चों जो परागण होता है, परागण क्या होता है, परागण एक क्रिया होती है जिसमें एक पुष्प के पराग कण जो होते हैं, पराग कोष से अगर वो निकलते हैं, वृत्तिका तक पहुँचते हैं, तो इस क्रिया को हम कहते हैं परागण। तो परागण तो एक क्रिया हो गई, तो इसको भी हम हटा सकते हैं, तो हट गया। अब बच्चा हमारा पहला ऑप्शन पुमंग, पुमंग जो होता है उसके अंदर पराग कण हमारे बनते हैं, तो पुष्प के जो नर जनन का प्रतिनिधित्व करता है वो हमारा पुमंग करता है, और इसका जो सही ऑप्शन भी है वो हमारा पहला ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। देखिए जो मनुष्य होता है उसमें जो संतान का लिंग निर्धारण होता है, देखिए हमारे अंदर जो गुणसूत्र होते हैं मेल्स फीमेल्स में होते हैं XX, और मेल में होते हैं XY, ठीक है। तो जो फीमेल में है वो मेल में भी है, लेकिन जो मेल में है, जो नर में है, वो गुणसूत्र मादा में नहीं है, यानी कि जो बाई है वो मादा में नहीं है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है मनुष्य में संतान, जो मनुष्य जो होते हैं उनकी संतानें होती हैं, उनमें संतान का लिंग निर्धारण जो होता है किस गुणसूत्र के द्वारा होता है। देखिए किसके द्वारा होता है, ठीक है, माँ के लिंग गुणसूत्र से होता है, या अंडाणु जो होता है, ओवा जो होता है उसकी माप से होता है, या शुक्राणु की माप से, जो शुक्राणु स्पर्म होता है उसकी माप होती है उससे होता है, या पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। तो बच्चों याद रखना है, जो भी संतान का लिंग निर्धारण होता है वो बाई गुणसूत्र के द्वारा होता है, और बाई गुणसूत्र पाया जाता है पिता में, तो पिता के लिंग गुणसूत्र के द्वारा ही जो हमारी संतान होती है उसमें लिंग का निर्धारण होता है। तो पिता के लिंग गुणसूत्र के द्वारा हम संतानों में लिंग का निर्धारण करते हैं। तो हमारा जो सही विकल्प है वो चौथा है, IV वाला सही है, ठीक है। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। देखिए बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है आजकल हर जगह इसका उपयोग होता है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो इसका उपयोग जो चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है। तो ऐसा ऑप्शन हमें तीसरा दिया गया जिसमें लिखा गया है इन दोनों में, हाँ, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इनमें से कोई एक दिया होता तो हम वो सही कर देते, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है, यानी इनमें से आपको किसे जो है भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। देखिए
अरावली पर्वत हो गया, इंडो गंगेटी मैदान हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया। देखिए अगर हम बात करें भारत में जैव विविधता का जो तप्त स्थल होता है, हॉटस्पॉट समझा जाता है, वो आपके पश्चिमी घाट को समझा जाता है, तो हमारा तीसरा वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है, तो यही विकल्प आप लगा देना। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। अब जो आता है हमारा जो क्वेश्चन नंबर दो आता है, ये भी क्वेश्चन नंबर दो है, इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का ही रहने वाला है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो एक एक नंबर का है, और यहाँ पर भी आपके पाँच क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर जैसे यहां पर पूछा गया क्लाइनफिल्टर और टैंडनर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या, अब यहां पर आपको पूरी परिभाषा नहीं लिखनी क्लाइनफिल्टर के बारे में, ना ही टैंडनर के बारे में, आपको पूरी परिभाषा लिखनी है, ठीक है। तो आपको जो अगर हम बात करें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो बच्चों आपका जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 47 होती है। देखिए नॉर्मली जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, यानी कि 46 होती है, लेकिन टर्नर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। क्यों हो जाती है, इसमें जो होता है एक एक्स गुणसूत्र जो होता है वो अतिरिक्त हो जाता है, क्या होता है, एक अतिरिक्त आ जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, इसमें गुणसूत्र कौन सा बढ़ता है, एक्स। फिर वहीं पर बात करें बच्चों क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम, तो बच्चों जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 45 रह जाती है, क्योंकि बच्चों एक्स एक्स जहाँ पर होता है वहाँ पर एक्स जीरो हो जाता है इसमें, यानी कि एक एक्स गुणसूत्र इसमें कम हो जाता है, यानी कि जीरो हो जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 यानी कि 45 रहेगी, और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 यानी कि 47 रहेगी। बस आपको इतनी चीज़ों को लिख देना है ताकि वहाँ पर आपको सिर्फ एक नंबर मिलेगा, यानी कि आधे आधे नंबर के दोनों क्वेश्चन हैं। तो जर्म कोशिका जो जर्म नर जर्म कोशिका में नर जर्म कोशिका किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है, देखिए बच्चों जो नर जर्म कोशिकाएं जो होती हैं वो किस विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो आप पूरा इसका डेरिवेशन एक तरीके से पूरी इसके आप रामायण लिखोगे तो नंबर तो एक ही मिलना है, ठीक है। तो बच्चों जो नर जर्म कोशिका होती है वो जो कोशिका होती है वो किस विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं के स्पर्म्स का निर्माण करती है, तो आपको पता होना चाहिए कोई भी नर जर्म कोशिका होती है वो किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है, वो बच्चों आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। किस विभाजन द्वारा करते हैं तो आपको याद होना चाहिए अर्धसूत्री विभाजन द्वारा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया पराकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, यानी कि पराकण मात्र कोशिका की बात की जा रही है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आपको बताना है। अब आप ऐसा तो नहीं बता सकते 10 होते हैं, 20 होते हैं, 30 होते हैं, 40 होते हैं, ठीक है, क्योंकि पता नहीं किसकी पूछ लेगा, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर ओरली पूछा गया पराकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए अगर कहीं पर भी मदर सेल्स की बात की हो तो आपको पता होना चाहिए मदर सेल ही हमेशा डिप्लॉयड ही होती है, यानी कि डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n, और हिंदी में इसको हम द्विगुणित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुणित। तो पराकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 2n होती है या फिर द्विगुणित होती है, ठीक है, या फिर आप इंग्लिश में इसको डिप्लॉयड कहते हैं। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है, ठीक है। आपको बताना एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए के जो अणु होते हैं उनको खंडों में तोड़ने की क्षमता रखता हो। तो अगर बच्चों आपको डीएनए के अणुओं को खंडों में तोड़ना है तो वहां पर आपको जिस एंजाइम का प्रयोग करना पड़ेगा वो आपका रहेगा काइटिनेज। क्या होता है बच्चों, काइटिनेज, ठीक है। तो इसमें हमारा काइटिनेज जो है वो सही हो जाएगा। समिष्ट में प्रिकलित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं, देखिए समिष्ट में अगर प्रिकलित जो पिरामिड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो समिष्ट में जो प्रिकलित पिरामिड होते हैं आहार श्रृंखला के प्रथम पोषण स्तर के होते हैं। किसके होते हैं, आहार श्रृंखला के प्रथम पोषण स्तर के होते हैं। क्या होते हैं, आहार श्रृंखला के प्रथम पोषण स्तर के होते हैं, चाहे प्रथम पोषण होता है, ठीक है, पोषण स्तर के होते हैं, प्रथम आहार श्रृंखला के प्रथम पोषण स्तर के होते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों पक्षियों में जो लिंग निर्धारण होता है वो आपको पता है कि जेड जेड और जेड डब्लू प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें जब क्रॉस कराया जाता है, देखिए आप इसको यहाँ पर समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पर हम पूरा आपको नहीं समझा सकते लेकिन पूरा समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपको मैं इसका पूरा सोल्यूशन भी लेकर आऊँगा, उसमें कॉपी पर अच्छे से मैं लिख कर बताऊँगा पूरा नोट्स के साथ, ठीक है। जैसे बच्चों जो इसमें अगर आप इसके युग्मक बनाओगे तो आप इसके युग्मक क्या बनेंगे, हमारे जेड जेड बन जाएंगे, जिस प्रकार हम एक्स वाई में करते हैं सेम उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी करना होता है, यहाँ पर जेड डब्लू। अब देखिए हमारे अंदर जो होते हैं एक्स एक्स होता है मेल्स फीमेल्स में और एक्स वाई होता है मेल्स में, यानी कि नर में एक्स वाई होता है, मादा में एक्स एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए मादा जो है एक समान है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर जेड समान जो दिखाई दे रहा है ये आप यहाँ पर जो होता है नर होता है, और जेड डब्ल्यू जो होता है यहाँ पर ये होती है बच्चों मादा होती है, ठीक है। तो आप जब इसमें इसका इसके साथ कराओगे, इसका फिर इसके साथ कराओगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी कि जेड डब्ल्यू इसमें बनेगा जेड जेड,
इसमें भी बनेगा जेड डब्ल्यू, इसमें बनेगा जेड जेड, इसमें बनेगा जेड डब्ल्यू, यानी कि 50-50 चांस रहते हैं। जैसा हम स्त्रियों में और पुरुषों में जो दर्शाते हैं वही चित्र यहाँ पर भी रेशो वही निकलेगा। तो इस तरीके से हम पक्षियों में लिंग निर्धारण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछा गया है जो लघुत्री का फर्स्ट है कि सॉरी लघुत्री फर्स्ट है, लघुत्री फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपसे पहला क्वेश्चन जो पक्षियों में लिंग निर्धारण पूछा गया, दूसरा पूछा गया बार्टसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। देखिए बार्टसन और क्रिक के द्वारा आपने इस तरीके से एक आपकी बोर्ड एग्जाम में आपने कई सारे क्लास 10th में भी देखा होगा, 12th में भी इस तरीके का एक डीएनए होता है एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, इस तरीके से बाइंड के साथ ही जुड़ा होता है। तो यही वाला जो डायग्राम है यही डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है, यहाँ से यहाँ तक की एक के बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम, इसमें जो एक जो लगा होता है इसके बीच की 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो मैं इसको आपको पूरा पढ़ाऊंगा जब इसका पूरा सोल्यूशन एकदम कॉपी पर लेकर आऊँगा। ठीक है, अब बच्चों जो प्रतिरक्षा क्या होती है, देखिए इम्यूनिटी क्या होती है, हमारा जो शरीर है इसमें विभिन्न प्रकार के रोगाणु हो गए, वायरस बैक्टीरिया का क्या होता है आक्रमण होता रहता है डे बाई डे। ठीक है, आपको नहीं पता है कि आप बोल रहे हैं तब भी हमारे अंदर के बैक्टीरिया जा रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, आपके जो हाथ हैं हमारे जो हैंड्स हैं इन पर भी पता नहीं कितने बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, तो हमारा शरीर में एक बैक्टीरिया से लड़ने की हमेशा तो हम दवाई तो खाते नहीं रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है लड़ने की क्षमता होती है वो क्या होती है प्रतिरक्षा होती है। प्रतिरक्षा दो प्रकार की हो सकती है, एक उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, एक हमारी जो होती है यानी कि जो आप उसको कह सकते हैं सहज प्रतिरक्षा। देखिए एक सहज होती है एक उपार्जित होती है, उपार्जित हम बाद में अर्जित करते हैं, सहज जो प्रतिरक्षा होती है हमारे जन्म से ही हमारे अंदर होती है। ठीक है, अब आर्किड आम, आर्किड पौधा, आर्किड का जो पौधा होता है आम के पेड़ की शाखा पर उगता है, आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रियाओं को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। देखिए आर्किड जो और आम का जो संबंध होता है यहाँ पर जो आपका संबंध दिखाया जाता है सहभोजता का संबंध होता है। ठीक है, कौन सा संबंध होता है सहभोजता का संबंध होता है, इसको मैं अच्छे से तरीके से आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पर ये पूरा सहभोजता होता है। ठीक है, सहभोजता का संबंध पाया जाता है क्योंकि बच्चों जो आर्किड होता है वो पेड़ आम के पेड़ के ऊपर लगता है, लेकिन होता क्या जो आम का पेड़ होता है उससे वो कोई भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेता। ठीक है, यानी कि उसको किसी भी तरीके का लॉस नहीं होता है, जो आम का प्लांट होता है उसको किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता, लेकिन जो आर्किड का पौधा होता है उसे बहुत ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि वो उसके ऊपर उगता है और उस पर सिर्फ उगने का स्थान लेता है। और बात आई न्यूट्रिएंट्स वगैरह की, तो वो जो वायु में जो वायु होती है, जो वायु में जो नमी होती है उससे जल को ग्रहण करता है, अपना फोटोसिंथेसिस यानी कि भोजन बना लेता है। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। एक परिस्थिति परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखी निरूपण कीजिए। देखिए एक प्रकृति आपको क्या करना है, घास से, ग्रास जो होता है घास से आपको शुरू करना है, फिर वहाँ पर आपको छोटे जानवर दिखा देने, जैसे आपने खरगोश वहाँ पर दिखा दिया, फिर आपने उससे छोटे दिखा दिए, फिर उससे छोटे, फिर सूक्ष्म जीव दिखा दिए। मैं आपको समझा दूंगा ये डायग्राम होता है, मैंने आपको एक दूसरे दो बार अगर आपने लेक्चर अटेंड किए होंगे न्यू सीरीज जो वीडियो पड़ा हुआ है आप जानना बायोलॉजी पर, एक प्लेलिस्ट बनी हुई न्यू सीरीज के नाम से, अगर आपने पूरी न्यू सीरीज तैयार कर ली तो मैं जो भी पढ़ाता हूँ आप चाहे कुछ भी ना पढ़ें तब आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। अगर आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से बायोलॉजी में अच्छे नंबर लाने तो आप एक बार न्यू सीरीज पूरी पढ़ लीजिएगा, उसमें 8 से 9 लेक्चर हैं, अगर आपने वो लेक्चर सारे कवर कर लिए ना तो बायोलॉजी में आपको टेंशन नहीं लेना है। अब बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है उसमें लघुत्री क्वेश्चन होते हैं, लघुत्री क्वेश्चन सेकंड होता है। ठीक है, लघुत्री क्वेश्चन जो फर्स्ट होते हैं वो हमारे 2 नंबर के होते हैं, लघुत्री क्वेश्चन जो सेकंड होते हैं वो हमारे 3 नंबर के होते हैं। देखिए लघु बीजाणुधानी होता है और गुरु बीजाणुधानी जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, इसमें आपको कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें आपको सिर्फ 3 अंतर लिखने हैं, एक आप इसमें लिख सकते हैं लघु बीजाणुओं में लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। ऐसे जो मैंने आपको अंतर बताए थे वो सारे अंतर आप लिख सकते हो, मैं आपको और भी सारे अंतर बता दूंगा, 6-7 अंतर आप मैं बता दूंगा और वहां पर आपको 2 से 3 तो आप आसानी से ही अगर बोर्ड एग्जाम में आता तो आप लिख सकते हो। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि क्यों सही नहीं है ऐसा बताना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे समाज में जब लड़कियाँ पैदा होती तो महिलाओं को दोष दिया जाता है, ऐसा क्यों है और ये सही क्यों नहीं है। यानी कहते तो सब हैं गलत है, लेकिन अगर गलत है तो क्यों गलत है, ये सही क्यों नहीं है।
तो बच्चों अगर हम इसका एक ओवरऑल रेशियो निकालते हैं, जब हमने आपको कई बार आरेख चित्र द्वारा समझाया है, मैं इसको और भी अच्छे से वहां पर समझा दूंगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे अंदर एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, मेल्स और फीमेल्स के अंदर, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, युग्मक बनते हैं यानी कि एक तरीके से, तो होता क्या 50-50 चांस होते हैं। वहां पर 50-50 चांस होंगे नर बनेगा या 50-50 चांस होते हैं जो मादा बनेगी। जब आप इनका रेशियो निकालोगे, चेकरबोर्ड के अनुसार भी आप निकाल सकते हो इस तरीके से, यहां पर क्या होता है दो नर बनते हैं दो मादा बनते हैं, यानी कि 50-50 चांस होते हैं। तो इसीलिए हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। एक बार पूरा पेपर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन हमसे आने वाले हैं। एक संकर क्रॉस को उदाहरण देते हुए आपको समझाना है और उसी से आपको मेंडल के प्रभाविता का नियम भी समझाना है। देखिए मेंडल के तीन नियम थे, एक प्रभाविता का नियम था, दूसरा पृथक्करण का नियम था, तीसरा स्वतंत्र अभिघट का नियम था। ठीक है, कितने नियम थे बच्चों? तीन नियम दिए थे, एक प्रभाविता का नियम हो गया, ठीक है, दूसरा पृथक्करण का नियम होता है, तीसरा स्वतंत्र अभिवन का नियम होता है। क्योंकि मेंडल के जो स्वतंत्र अभिवन का नियम है बहुत, यानी कि ईयर के बहुत कम, अगर मैं बात करूं तो बहुत कम पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, लेकिन प्रभाविता का नियम हो गया और पृथक्करण का नियम हो गया, और पृथक्करण के नियम को ही हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो ये दो जो हमारे शुरू के नियम हैं इनके, मेंडल जी के, उनको ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीएनए कुंडलिनी कि कौन सी विशेषता ने वाटसन और क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया इसकी व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है और इसके लिए आपको क्वेश्चन में जो लिखेंगे अगर आप पूरा, तो आपको तीन नंबर दिए जाएंगे। इसको मैं आपको, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा आपका नंबर, क्वेश्चन नंबर रहेगा 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहेंगे 3 नंबर के। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वस्थ नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि जो मलेरिया का परजीवी होता है इसके जीवन चक्र का स्वस्थ नामांकित चित्र बनाइए। आप चाहें तो इसमें क्या करिएगा, आप यहाँ पर डायग्राम तो बना नहीं सकते मॉस्किटो वगैरह का। ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पर क्या करूँ, लिख के बता दूंगा। यानी कि आपको जैसे मॉस्किटो वहाँ पर डायग्राम बनाना, तो मैं ऐसे ऐसे करके वहाँ पर उसमें लिख दूंगा मच्छर, तो आप लोग समझ जाना। मैं आपको इसका जल्द ही आपको सोल्यूशन पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जैविकी यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन से संक्रमण रोगों को नियंत्रण करने में किस प्रकार हमारी सहायक यानी कि सहायता की। देखिए, जो जैव विज्ञान होती है, जीव विज्ञान होती है, जीव विज्ञान के अध्ययन जब हम करते हैं तो उसमें संक्रमक रोग होते हैं उनको नियंत्रण करने में हमारे किस प्रकार उसने सहायता की है, उसके बारे में हमें बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तो जैव उर्वरक होता है, जैव उर्वरक किस प्रकार की मृदा की उनकी जो उर्वरता है उसको बढ़ाते हैं। देखिए, जो जैव उर्वरक होता है उससे हम किस प्रकार की जो मृदा होती है उसकी उर्वरता जो होती है, पैदा करने की जो क्षमता होती है, उसको हम बढ़ाते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर घा है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है बैकेलियो वायरसेस क्या है। ठीक है, बैकेलियो वायरसेस क्या होता है इसके बारे में आपको टिप्पणी करना होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है एक ज़्यादातर 1 से 2 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर में पूछा गया है, तो थोड़ा हमें अच्छे से इसको लिखना पड़ेगा। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 रहेगा, इसमें भी क्वेश्चन आपके लगभग 3 ही नंबर के रहेंगे। ठीक है, इसमें भी निम्नलिखित पर टिप्पणी करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी हमसे टिप्पणियाँ भी पूछी जाती हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके बारे में आपको बताना है। प्रतिबंध एंजाइम के बताना है इसके बारे में। इन दोनों पर आप जब टिप्पणियां करोगे ना, तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। यानी कि एक टिप्पणी आपकी 1 सही 1/2 यानी कि 1.5 नंबर की है। ठीक है, तब दोनों टिप्पणी अगर आप लिख दोगे तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि का क्षेत्र है उसमें क्या उपयोग। देखिए, जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका जो कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग है इसको आपको बताना है। अगर आप इस पर पूरा निबंध बच्चों से लिखवा दिया जाए तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं इसको एक उदाहरण लिख दीजिए। देखिए, जो परजीवी जंतु होते हैं, जो हमारे जेनेटिक मॉडिफाइड करके उनके जंतु बनाए जाते हैं, उनको हम परजीवी जंतु कहते हैं। इनका एक उदाहरण आप जैसे डोली भेड़ हो गया, ठीक है, कई प्रकार के जो परजीवी जंतु जो हमारे बनाए जा चुके हैं। ठीक है, अगला बच्चों है
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना। देखिए आपको यहाँ पर क्या है, डिफरेंट बताना है, अंतर बताना है। अंतर में आपसे पूछा जा रहा है उत्पादन और अपघटन में। देखिए उत्पादन क्या होता है, उत्पाद करना होता है। अपघटन का मतलब होता है बच्चों तोड़ना। तो अपघटन और उत्पादन में आपको अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पर 3 से 4 अंतर आपको लिखना रहेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों परजीविता क्या होती है, सहभोजिता क्या होती है, इनके बारे में आपको बताना है। देखिए परजीविता जो होती है इस और सहभोजिता, देखिए सहभोजिता का मतलब होता है अगर किसी एक व्यक्ति को लाभ हो रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा प्रश्न है जिसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि उसको ऑलरेडी लाभ हो रहा है, लेकिन इस लाभ होने वाले पर्संस की वजह से जो हमारा दूसरा है उसको कोई हानि नहीं हो रही है। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है सहभोजिता होता है। अब हम आपको पूरा इसके ऊपर जो अंतर है उस पर लेक्चर अपलोड करवा देंगे, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन आएगा आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन एक रहेगा वो आपका 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन करने रहेंगे, 15 नंबर के दीर्घोत्तरी क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो इसीलिए हमें इन पर ध्यान भी देना जरूरी है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं इसके बारे में भी बताना है। अगर आपको एक क्वेश्चन पता तो आप इसको करिएगा, अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं पता तो आपको अथवा में दिया गया है, आप अथवा वाला भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर अथवा में आपसे पूछा गया है पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए जो पुष्पीय पादप होते हैं उसमें लघु बीजाणु जनन का जो है सचित्र वर्णन करना है, इसके बारे में आपको बताना है। और इसके लिए भी आपको नंबर जो रहेंगे पूरे 5 ही रहेंगे, आप चाहें तो इसको करें चाहें इसको करें, लेकिन कोई एक ही करें, ठीक है। अगला बच्चों आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आनुवंशिक कोट क्या होते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। अगर आपको पता है आनुवंशिक कोट के बारे में, कोडन वाला जो चैप्टर है कोडन की, वहां पर मैंने आपको बताए थे उनको, अगर आपको पता है तो आप उसको कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। नीचे जैव विकास किसे कहते हैं, ठीक है, जैव विकास हम किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के, देखिए कालों में जो जो भूवैज्ञानिक काल हैं, कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन करना है आपको, इसका पूरा पूरा यानी कि अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। अगर आप इस नमा हमारा जो क्वेश्चन रहेगा इसमें आपसे पूछा जा रहा है, देखिए पादपों की जाति विविधता यानी कि 22%, जंतुओं में विविधता जो होती है 72% की अपेक्षा बहुत कम है, यानी कि जो जो पादप होते हैं उसमें जाति विविधता जो होती है जंतुओं की अपेक्षा में बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है, देखिए जंतुओं में क्या कारण है कि जो अधिक विविधता मिलती है और पादपों में है वो कम विविधता मिलती है, यानी कि लगभग 22% यानी कि 22% और इसमें 72% यानी कि लगभग 72% मिलती है, इसके बारे में आपको बताना है। अगर आपको क्वेश्चन पता है तो आप इसको करिएगा, अन्यथा आपके लिए अथवा में भी चांस है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से सभी में आपको एक एक चांस दिया जा रहा है, ठीक है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको अगर नहीं पता तो दूसरा उसके नीचे दिया गया वो आपको करना है, और दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाए, जैव भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति का मुख्य कारण क्या है। देखिए जैव भौगोलिक जो क्षेत्र होता है उसमें जाति क्षति का यानी कि जाति की जाति को हानि में यानी कि क्षति जो होती है उसमें हानि होती है उसका मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरीके से आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो टोटल 9 क्वेश्चन रहेंगे इस तरीके से अगर आता है पेपर हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा पेपर अच्छे से करना है, हम इसका पूरा सोल्यूशन है वो जल्द ही आपके सामने अपलोड करवा देंगे, ताकि आपको इन जो हमारे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है इनका भी आपको उत्तर मिल सके और आपकी प्रिपरेशन जो है वो और भी अच्छे से हो सके। मैं एक बार फिर आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको जो न्यू सीरीज हमारी है आप लिस्ट चैनल पर जाइएगा, वहां पर आप प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें आपको एक न्यू सीरीज मिल जाएगी। उस न्यू सीरीज के अंदर 7 से 8 या फिर 9 लेक्चर होंगे, उन 9 लेक्चर को अगर आपने बायोलॉजी में अगर आपने तैयार कर लिया ना तो सारा पेपर आपको वहाँ से फंसने वाला है। आप बस मेहनत करिएगा, हर एक टॉपिक को तैयार करिएगा, क्योंकि बच्चों बायोलॉजी में इतना कुछ नहीं होता जो आपको आउट ऑफ सिलेबस आ जाए। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारे 2022 में पेपर हुआ था, ठीक है, उससे पहले 2020 में भी पेपर हुआ था, ठीक है, इन दोनों पेपर का अगर हम कंबाइन करके तुलना करें इन दोनों पेपर्स की, ठीक है, तो इन सभी सालों से पेपर जो हमारा 2023 का था वो थोड़ा हार्ड था,
हार्ड पेपर इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जो था क्वेश्चन के अंदर घुसकर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक दो क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े हार्ड थे, अच्छे लेवल के थे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना, मैंने उसी तरीके से कंबाइन करके न्यू सीरीज के अंदर वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझाया गया है। वहाँ पर अगर आपने न्यू सीरीज पूरी तैयार कर ली तो वहाँ पर आपको इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं यानी कि जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए चलाऊँ ताकि आपको बायोलॉजी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं उनको अलग से कोई लेक्चर अपलोड करने की जरूरत ना पड़े, अन्यथा मैं आपको लेक्चर हो सकेगा और नोट्स अगर बन जाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करवा दूंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो और अच्छे से हो सके, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट कोई भी क्वेश्चन होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछिएगा, ठीक है बच्चों। तो आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।